हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। की हाल चाल सारिआं दा? मैं तुहाडी सारिआं दी प्यारी रमनदीप कौर। तो मैनूं पता है कि किन्ने दिन हो गए जिहड़ा आपां व्लॉग जिहड़ा शूट नहीं कीता हैगा, क्योंकि यू नो सम प्रॉब्लम्स। ते इस करके अज आपां एक इंट्रस्टिंग जी वीडियो बनावांगे। तो ये लोग ये वीडियो जरूर वेखो जिन्हों भूतां ते विश्वास नहीं हैगा, है ना। जिहड़े लोग कहिंदे आ कि भूत नहीं हुंदे ते इहो जिहियां कोई काले जादू जां इदां दीआं चीज़ां नहीं हुंदियां, पर गल पता की है, सब कुछ हुंदा दुनिया ते। मैनूं पता कई लोग नहीं विश्वास करते क्योंकि कईयां ने नहीं वेखी हुंदी ये चीज़, पर अज मैं तुहानूं ये चीज़ जरूर दसूंगी क्योंकि मेरे नाल हुई आ, मेरे नाल बीती आ। ते अज आपां तुहानूं जिहड़ी आ सारी कहानी दसांगे, सारी एक्सप्लेन करांगे। ते इस तों पहलां जिन्हां ने चैनल नूं जिहड़ा सबसक्राइब नहीं कीता, सबसक्राइब कर लो बैल आइकन दबा के, ते वीडियो ते कमेंट लाइक जरूर करियो। ठीक आ, हुण आपां वीडियो शुरू करते हाँ। ठीक आ, हाँ जी। ते पिछे अगे जो भी आ इग्नोर मारे हो क्योंकि मेरे लिए जगह मैटर नहीं करती, मेरे लिए मैटर करता है कि कितने मैं वधिया लगती हूँ। ठीक आ, ते इस करके कोई जगह की टेंशन नहीं लैनी, भावें जिदे मर्जी लागे होवे। ते हुण आपां स्टार्ट करते हो दर्दनाक कहानी। ये कोई हासे वाली गल नहीं है, ये सच्ची हुई है। काली बोली रात ही थोड़े मस्के ला के दसन रही हूँ भी तुम इंट्रस्ट लो सुनने में, कहानी पर सच्ची आ। रात ही रात दे 11-12 बजे ही किसी का विआह ही शरीके जो ही। ठीक आ, अहीं उहदे विआह ते गए ते गौण गूण लगा, ते गौण तो बाद तुहानूं पता बीबियां बोलियां पाउंदियां हुंदियां, बीबियां जोरों शोरों ते बोलियां चलन डियां ही। ते न्याणिआं नूं इन्हां चीज़ां 'च की इंट्रस्ट हुंदा है ना। ते मैं की कीता कि मैं उत्थों भज्जण दी कोशिश कीती कि इन्हां बोलियां 'च मैं बाहर जावां, इन्हां नूं पाउंदे रहिण दो जिहड़ियां पाउंदियां है। ते उत्थों मतलब मैं उत्थों निकल गई क्योंकि मेरी भैन नहीं उत्थे, मैनूं मज़ा नहीं आउंदा। तो मैं अपनी भैन नूं मिलन जाना है। तो हुण पता नहीं की होया, अचानक दरवाज़ा अपने आप ही हिलण डै पिया है। ये चल इदां ही हो गया होगा। तो राह विच पानी रुड़िया है, हासे वाली गल नहीं है, सीरीयस गल है। राह विच किसी ने पानी डोलिया है। ठीक आ, ते आपां इन्हां गल्लां ते विचार नहीं करदे भी कोई गल नहीं, डोलिया तो डोलिया सही, सानूं की लगे। सच जाणिओ मैं हजे पानी ते पैर रखिया ही, ते मेरे सारे शरीर 'च कंबणी छिड़की, ते कंबणी छिड़के मैं चीकां मारन डै पई। ते चीकां मारदिआं मारदिआं ही ना मैं उत्थों भज गई, मतलब कि पानी ते पैर रखदिआं ही। ते ये बड़ी हैरानी वाली गल आ, मैनूं खुद पता आ, पर इदां सच्ची होया ही। ते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस तो बाद फिर मेरा मतलब उस तो बाद मेरा कोई भी दिन जिहड़ा वो सौखा नहीं निकलता। मतलब मैं नेरे तो डरती हाँ, साडे घर विच निक्की जी सूई भी डिग जाती हुंदी, कोई चमचा भी थले डिग जाता हुंदा ते मेरियां चीकां निकल जांदियां हुंदियां। पता नहीं वो आवाज़ का की कनैक्शन ही उस चीज़ नाल। ते कोई भी चीज़ डिगनी ते फिर मेरे भरावां दा ते तुहानूं पता ही हुंदा है, इन्हां जान जान के प्लेटां डिगणियां भी चीकां मारूंगी। ते मतलब बड़ा होर तरह के जे टाइम ही हो, मतलब डर जाना किसी भी चीज़ तो। ते फिर इदा ही किसी ने सानू दस पाई कि इतने मतलब कोई बहिंदी है बुढ़ी बाबा, तो उन्होंने विखाओ तुही, तो फिर कुड़ी ताड़ी ठीक हो जूगी। फिर उहदे कोल लैके गए मैनू, तो उन्हें मैनू वेख्या। फिर उन्हें कहा कि दिखाना पैना कुड़ी नूं, ते फिर साढ़े घर दे आंदे भी चलो ठीक है दिखाओ देखो सॉरी। फिर चलो इदा वेखते वूदते रहे, फांडे फूंडे किते उन्होंने, पर जिद्दण पहला दूजा शायद फांडा ही, ते मैं सुती अपनी मम्मी नाल रात रात सुती। ते जिद्दां मेरे सरहाणे कोई खलोता आ, तो तुम इमेजिन कर सकते कि मैं उन्होंने आवाज़ा सुनिया, आवाज़ा मेरे सराहने खलोते। तो बुढ़ी ने पता की कहा है, आँधी दे मार्च पेना है जी बाबियां को जाती फिरती है, मतलब उदे नाल कोई होर भी हैगा ही। तो ये गल झूठी नहीं है, ये गल बिल्कुल सच्ची आ। उदन मैंने विश्वास होया भी ये गल्लां सच्चियां, मना कुछ झूठ नहीं है दुनिया से, सब सच आ।
ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਸਟਾਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਉਦੋਂ ਨਿਆਣੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗੋ, ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਸ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਕਹੀ, ਹੁਣ ਬੁਲੇ ਲੁੱਟੀ ਦੇ ਐਨ ਰਹੀਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੱਸਣ ਡੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਝੂਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਹਾਂ, ਮਾੜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਆ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਬਸ 7-8 ਮਿੰਟ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਏ ਬਾਏ।